ओए 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 यार, रोड देखो बिल्कुल खत्म हो गया है। यहाँ से देखो सारी साइड ढह पई है, ढह नहीं पई है, सॉरी गिर गई है। ओए ओए ओए, मैं तो कहता हूँ बहरीन बेचारा तो बिल्कुल तबाही हो गई है। बहरीन देखी इस साइड पे सारे होटल, मुझे लगता है यार ये बहन करते हैं सारे अंदर में पानी देखी यहाँ से गुजर है। ओए होए, पानी का प्रेशर चेक करो। अस्सलाम वालेकुम जी, अल्लाह ताला के शुक्र के साथ वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो भाई जिस तरह के कलाम में मौजूद हैं वो पहाड़ी पे बर्फ़ देखी और बहुत खूबसूरत लेवल का मौसम यार, सुबह सुबह हुआ वेदर, पूरी रात हुई है बारिश, जिसकी वजह से कलाम में सारे यार मुझे लगता है पहाड़ों पे बर्फ़बारी होती रही है और माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत सीन इधर हो गया है। अभी सुबह सुबह मैं उठाऊँ तो मैंने कहा चल भाई, जब ये खड़ा है और दूसरा वो यहाँ खड़ा है, रूफ चेक करो इस तो लैंड क्रूजर आ रहे हैं आज। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? अभी इधर हर तरफ बर्फ डलना शुरू हो गई, अभी इधर की जो मौसमी बर्फ होती है वो अभी ही शुरू हो गई है। अभी जगह बर्फ शुरू हो गई, उधर अपने उधर बनेर में भी आज बारिश हो गई। ये तो हर तरफ ही थोड़ी थोड़ी बर्फ लग रहा है। अभी यहाँ से चेक करो बर्फ, ये जो आपको नज़र कम आ रही होगी बहुत ज़्यादा बर्फ यार डाल गई है, ये सब फुल हो तो यहाँ से पानी रवान दवा है। और सर्दियों में भी यहाँ को बात ना करें, सर्दियों में यहाँ पर ये हिसाब होता है कि जिस होटल की 3 मंजिलें हैं उस होटल की 2 मंजिलें जो होंगी वो बर्फ़ के अंदर होंगी, बाकी एक खाली होगी। ये देखिए यहाँ पे इस होटल के अंदर सारा पानी गया, पानी वो आगे चले गए, अभी हम चलते हैं तो आपको मिलते हैं। जी बराडे और जी का बच्चे देखिए दो रस्ते में 10 minutes later. Aljana. Anjuro. Ye kiska pair hai? Mazar aaye. वाह जी वाह, सुबह अच्छे सर, आपको सब गाड़ी अवेलेबल है, चार्ज लगा हुआ है, आपने इसके आगे जोन जोन से भी लिया, हमारे पास बाइक था, हम दोस्त पे गए थे, लेकिन अगर आपके पास गाड़ी है और आपने उनको जाना है तो ये आपको सब अवेलेबल होंगी। ठीक है, ये मैं आपको ये लोकेशन दिखा देता हूँ, ये जो बाज़ार है ना कलाम का बाज़ार से इधर से ऊपर आए और इस जगह पे आपको वैसे ओवरऑल यहाँ पे सारी जगह पे मिल जाएंगी, लेकिन ये होटल इधर लिखा हुआ है क्यों होटल रात को जी, इधर का टम्परेचर जो था वो 38 था और उधर ऊपर मुझे लग रहा है हर जगह 0 था, 0 से ज़्यादा था।
हीरो से ऊपर था हर जगह पे जो है वो बर्फ डाली है उधर सारे ऊपर माइनस पे टेम्परेचर होता है ऊपर जाओ बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है। और हम तकरीबन कल परसों पूरी रात लगी रही है जिस दिन हम आए और कल भी लगी रही है ठीक है सारी बार लगी रही है कल भी। मैं आपको खास कर दिखाता रहूँ तो इस वजह से अगर कोई आप लोगों ने किसी नहीं आना है तो वो इन दिनों में ही आ जाए क्योंकि इसके बाद इधर बहुत ज़्यादा बर्फबारी हो जाती है ये सब जगह सब दुकानें ये बंद होती हैं तो सिर्फ कुछ होटल खुले होते हैं तो जो पहले वो मैंने आपको हनीमून होटल दिखाया वो खुला होता है और सम और जो थोड़े बहुत होते हैं वो खुले होते हैं क्योंकि बर्फ़ बहुत ज़्यादा होती है नीचे जो दो तीन मंजिल होती हैं उनकी फुल होती है और तो बाकी जो होता है वहाँ पे कुछ काम हो सकता है तो बाकी यहाँ पे शॉप सारी बंद होती हैं इधर सारे रोड पर बर्फ़ होती है तो ये अभी बस यहाँ पे गर्मियों में ही काम चलता है सर्दियों में इधर तकरीबन ऑफ होता है पर बारी अगर किसी ने देखनी है तो वो आ सकता है बहुत ज़्यादा होती है लेकिन अगर किसी ने इंजॉय यानी करना है इधर तो फिर वो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको सारी जो है वो टेंट की सहूलत मिल रही है डब्बे भी होते हैं और अगर किसी ने रहना है टेंट में तो वो टेंट में भी यहाँ पे आके रह सकता है। तो जी हम अपनी पैकिंग स्टार्ट कर रहे हैं ठीक है और क्योंकि आज वापसी है जी और सामान सारा पैक करते हैं बैग अपना निकालते हैं और भाई हेलो भाई ये हेलो चल भाई अंदर चल चलो चलो आ जाओ भाई ये भी ये जी तो चलो जी फाइनली पैकिंग हमारी हो गई तो आप चलते हैं। तो भाई हम कलाम से जा रहे हैं ठीक है तो कलाम के जो ब्लॉग है वो यहाँ पे आज के एंड हो गया है तो आज के ब्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं। नेक्स्ट ब्लॉग में आपको मिलते हैं सारा मदीन बहरीन इस सब दिखाने क्योंकि जाते वक्त बहुत रात हो गई थी हम आप लोग को नहीं दिखा सकते थे इसलिए अभी हम वापसी पे आपको सारा एक ही जगह दिखाएंगे सवात मदीन बहरीन सारा हर जगह दिखाएंगे। इन खूबसूरत जगह को देख लो अब हम जा रहे हैं जी वापस। हमारे दो दिन थे इधर जी बहुत अच्छे दिन गुजरे इस जगह पे कलाम बहुत ज़्यादा खूबसूरत है ठीक है बहुत मज़ा आया ये मेरी समझ लें भी लाइफ की फेवरेट ट्रिप थी क्योंकि इसमें मेरे साथ आप लोग भी थे चल चूट और मैं कलाम में भी पहली दफ़ा आया था बहुत खूबसूरत जगह थी तो अभी इसको खुदा हाफिज़ कहते हैं और चलते हैं। बाइक की हालत देख सकते हैं बहुत ख़राब हुई है वो उम्र नहीं पिछले लगा के कुमार ओ जबरदस्त बाइक हो गया जी स्टार्ट यार मैंने जगह पे बहुत ज़्यादा इंजॉय किया ठीक है लेकिन हर एक एक जगह पे आप लोगों को न्यू अपडेट देता रहा आप लोगों ने देखा भी होगा कि आपको 18 मिनट का 20 मिनट का बड़े बड़े ब्लॉग आते रहे डबल डबल ब्लॉग आते रहे मैं तुम लोगों की हर जगह पे रिकॉर्डिंग करता रहा तुम लोगों को भी अब ऐसा करना है कि इन वीडियो में प्यार दिखाना है और कमेंट करना है और सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा बनाने में बहुत मेहनत लगी है तो फाइनली इस जगह को दाफिस कहते हैं और अभी आप भी आपको आगे दिखाते हैं। तो वाकई कलाम बहुत खूबसूरत जगह है लेकिन जाना तो है
आप लोग भी अगर आना चाहते हैं तो बहुत खूबसूरत जगह है कलाम। अभी धानी ने रेडियो भी ये ऑन कर दिया अपना, रेडियो नहीं स्पीकर जो भी होता है। और अभी ये ऐसे करते हैं कि चलते हैं और मैं आप सारा रोड किधर रह गया है और ये सारी जगह पानी ने यार ख़राब किया। सर बहुत ज़्यादा जो पानी आया हुआ था इधर पार्क थे और भी बहुत सारी जगह थी उनका भी सारा कोई यही आ गया। मैं अभी आपको इसको पावर स्टेशन दिखाता हूँ, पावर स्टेशन आपको दिखाता हूँ। ये देखें ये सारा बोर्ड लगा हुआ है कलाम का, कितना वजन यहाँ पर लाना है, क्या हिसाब है, सारा लिखा हुआ है। ये भी वही ब्लू वाटरफॉल ये जी पावर हाउस है कलाम का। यहाँ पे भी मैंने एक आपको उधर दिखाया था और एक ये भी है। ये जी बिजली बनाते हैं कलाम क्योंकि अपनी बिजली तकरीबन खुद ही बनाता है, गवर्नमेंट की इतनी नहीं आती, कलाम ज़्यादातर खुद ही अपना करता है। ये साथ में पानी आप देख रहे हैं, रुक के मैं आपको यहाँ पे रोक के मोटरसाइकिल पिक्चर लेने शुरू किए हैं सब लोग, यहाँ पे पिक्चर लेने शुरू हो गए लोग। अच्छा बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है ये, अब लोग देख रहे हैं पानी कितनी स्पीड से जा रहा है, बहुत तेज पानी होता है, साथ में पत्थर होते हैं तो पिक्चर कैसे जगह में दूर जाए इतना होता है। 146 मिनट्स लेट ये स्कूल को जाते हैं, आपको दिखाते हैं यहाँ से। ओ माशाल्लाह इधर देख सकते हैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत हाल रहता है, क्या हो जाने की यहाँ से देख सकते हैं, जरूर लगते जैसे कश्ती हो क्या दानी। चलो दानी जी कोई और सामान बना पवे हम पाड़ देंगे, फुल बर्फ है बर्फ। अब चलते हैं जी वापस। ये सामने पहाड़ पे देखो जी, ये आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे जी दो पत्थर हैं, ये देखिए ये सामने नज़र आपको आ रहा होगा ये दो पत्थर हैं और ये मतलब थोड़ी सी जगह पे रुके हुए हैं माशाल्लाह। सारा यहाँ से रोड गया, बाकी भी कलाम के रोड का यही हाल है। ट्रैफिक काफ़ी कटी हो जाती है जगह जगह से रोड टूटा हुआ है, ये भी बड़ा मसला है यहाँ का। तो अभी यार बहरीन पहुँच गए हैं, देखो यार बहरीन बेचार की सबसे ज़्यादा तबाही हुई है। वो जब कलाम जा रहे थे मैंने आपको रास्ते में दिखाया भी था कि किस तरह ये जो आप साइड देख रहे हैं ना पानी है, पहले इस जगह पर सारे होटल होते थे, इस जगह पर सारे होटल होते थे। अब ये देखिए सामने ये जो नज़र आ रहा है इस जगह पे लाइन पे सारे होटल बने हुए थे, यहाँ तक इस ये जो होटल है इसकी दूसरी तरफ थोड़ी सी जगह पानी के लिए थी, बाकी इस जगह सारे होटल थे। और इसका आप देखिए क्या हाल हो गया, ये सारे होटल यहाँ पे अब इन्होंने ख़त्म कर दिए। आगे भी मैं आपको दिखाऊंगा सारे टूटे हुए होटल, ये अभी नए होटल बन रहे हैं। दानिश हमने कह रहा था कि इसमें अपना पेट्रोल बचाना है ना, वो यहाँ पे पानी के अंदर जाए और सीधा पानी उसमें जाकर घर पहुँचा देंगे। अब देखो इन होटलों का हाल, ये जो पूरी लाइन टोटल है, ये जो यहाँ पूरी लाइन है ना, इस पूरी लाइन टोटल ख़राब हुई है, ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा है, दर्जी इकट्ठी हो जाती है क्योंकि मतलब सारा रोड जो है ख़राब है। इस तरफ देखिए सारा पानी इस तरफ गया हुआ है, सारी
यहाँ पे भी डिस्टर्ब होंगे होटल, और इस साइड पे भी सारे जो होटल हैं डिस्टर्ब हुए हैं। और अभी मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ साथ साथ कि इन होटलों का क्या हाल है। यार ये बात हालत है पानी के ऊपर बनाए हैं, तो इस वजह से लोगों का जाने भी बहुत नुकसान हुआ था। ये देखिए सारा अंदर, इसके अंदर पानी जमा हुआ है। ये देखिए सारे होटल, ये पिछली दफ़ा दानी कह रहे हैं माए थोड़े घर हमने खाना खाया था जी इन, ये मतलब ये जमीन दो जो है ना इधर, अभी देखिए क्या हाल है सारे होटल का। क्योंकि अपने ठंडी जगह पे ये देखिए यार सारी जगह जो है ख़राब हो गई है। ये इतने खूबसूरत तो यहाँ से ये सारे होटल बने हुए थे, बहुत खूबसूरत ये सारी जगह थी, बहुत नुकसान हुआ है यार लोगों का। अभी मैं आपको ऐसे करता हूँ कि उस वहाँ पे दरिया के पुल है उसके दूसरी साइड पर जाकर ये देखिए ना रिकंस्ट्रक्शन स्टार्ट की हुई है। अब तो जो है पानी की वजह से लोग फिर अजीब काम, सारा ख़राब हो गया। वो बड़ा पुल खूबसूरत सा बना हुआ था, और अभी छोटा सा पुल बना है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जी आप देख सकते हैं सारा यहाँ से जितने पानी वगैरह है, ये तकरीबन सारे यहाँ से मुझे लगते बैन कर देंगे, हटा देंगे। ये पुल भी अभी ये जो है ये नया बना है, यहाँ पे जो पहले वाला पुल था ये आप रुकिए देख सकते हैं वो गिर गया था। तो जी हम फाइनली बहरीन के बाज़ार में पहुँच चुके हैं, यहाँ की बाज़ार है सारा, अभी मैंने आपको पीछे वो सारा दिखाया है। अभी कहीं आगे नेक्स्ट चलते हैं, मैं आपको सारा बाज़ार जो है दिखाता हूँ, विजिट कराता हूँ। तो अभी जी अपना बाइक वॉश कराते हैं, बाइक अपना वॉश हो गया था जी, तो यहाँ पे आते आते पंचर हो गया था, तो अभी पंचर लगवाते हैं आपको दिखाते हैं। दिखाओ जी सामान इससे उठा के और उसमें बांधने वाले हैं, उसका दरअसल टायर पंचर हो गया था, इसीलिए अभी थोड़ा सा डर लगा हुआ है, इसलिए अभी इस पर कोई बैठ के करते हैं। अरे कहना क्या चाहते हो,
तो फाइनली जी घर पहुंच चुके हैं, ठीक है। ये अभी सामान उतार रहे हैं और ये सामने दूसरा मोटरसाइकिल भी खड़ा हुआ है, ये हमने बड़ा मज़े का तैयार किया था। और दोनों गाड़ियाँ कितने मज़े की खड़ी हुई हैं, साफ हुई हुई हैं, ठीक है, सही खूबसूरत। और अभी ऐसे है कि जाते तो जी कलाम से वापस आ गए थे, ठीक है। मैं यार बीमार हो गया था, अभी दो इंजेक्शन लगवाए हैं, एक इधर और एक इधर। आप लोग अगर कभी भी ऐसी ठंडी जगह पे जाओ तो ज़रूरी जो होता है वो कोट या केयरिंग सामान जो है वो लेके जाओ साथ। अभी मैंने आपको वहाँ पे जो पीछे पहाड़ है ना, वो माइन है हमारी, वो भी मैंने आपको अभी दिखानी है। तो अभी बीमार नहीं होना या जल्दी से ठीक होते हैं। तो आज के व्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं, नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे आपको एक न्यू टॉपिक के साथ। आप तो मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।